अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय गाइड। इस वीडियो में जो है वो हम पावर पॉइंट के ज़रिए जो रिकॉर्डिंग होती है उसके बारे में बात करेंगे। तो हम पावर पॉइंट को जो है वो ओपन कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, पावर पॉइंट में जो है वो इंसर्ट में आप आएंगे टैब में, तो आपके पास आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग का जो है वो ऑप्शन आ गया, ठीक है। अच्छा, ये 2016 के अंदर जो है वो अवेलेबल है, और 2013 में जो है वो कुछ जो इसके वर्जन हैं उसमें अवेलेबल है, बाकी में अवेलेबल नहीं है। अगर आप चेक करें अपने पास और उसमें जो है वो 2013 के वर्जन में अवेलेबल ना हो, तो आप जो है वो नेट से 2015 के फैब के जो है वो उसके अपडेट्स डाउनलोड करेंगे, तो जो है ये वीडियो का जो ऑप्शन है मीडिया के अंदर स्क्रीन रिकॉर्डिंग का, वो अनेबल हो जाएगा, ठीक है। तो आप चेक कर लीजिएगा, अगर आपके पास अनेबल ना हो तो आप उसको अपडेट्स को डाउनलोड करके जो अनेबल कर सकते हैं, या फिर जो 2016 को डाउनलोड कर लें तो उसके अंदर तो ये पहले से बिल्ट इन आता है, ठीक है। अच्छा, आजकल जो है वो कोरोना वायरस की वजह से हमारी गेट टुगेदर जो है वो कम हो गई है काफ़ी, और टीचर्स वगैरह जो क्लास नहीं दे पा रहे हैं, और उसकी वजह से जो है रिकॉर्डिंग की जो डिमांड है स्क्रीन रिकॉर्डिंग की वो ज़्यादा बढ़ गई है। लोग जो है ज़्यादातर यही कर रहे हैं कि स्क्रीन को रिकॉर्ड करके और जो अपने स्टूडेंट्स को या कुलीग्स को या फ्रेंड्स वगैरह को जो है वो जो भी चीज़ गाइड करनी होती है वो गाइड करते हैं। तो आज मैं आपको जो है वो पावर पॉइंट के ज़रिए बताऊंगा कि अगर हमारे पास कोई रिकॉर्डिंग का सॉफ्टवेयर नहीं है, ठीक है, हम किसी के सिस्टम पर जाके रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो किस तरीके से जो हम रिकॉर्ड करेंगे। सिंपल पावर पॉइंट जो है वो बेहतरीन है इस चीज़ के लिए कि आप जो है उसमें सिंपल पावर पॉइंट को ओपन करें और जो रिकॉर्डिंग डेस्कटॉप की जो स्टेप्स हैं उनको रिकॉर्ड कर लें। तो वो किस तरह से इसमें रिकॉर्डिंग करेंगे, तो हम स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग का बटन आ रहा है, ठीक है। आप इसमें सिंपल क्लिक करेंगे, अब देखें इसने पूरी स्क्रीन को जो है ब्लर कर दिया है, सिर्फ ये कर्सर आ रहा है, ठीक है। अब मुझे जितनी स्क्रीन को रिकॉर्ड करना है मैं खाली उसको सिलेक्ट करूँगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इतनी स्क्रीन को सिलेक्ट करता हूँ, तो अब क्या होगा कि वो खाली इतनी ही स्क्रीन को रिकॉर्ड करेगा, यानी कि इसके अंदर जो भी चीज़ आएगी उसको रिकॉर्ड करेगा, बाकी जितनी भी स्क्रीन है उसको रिकॉर्ड नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा, आप इसमें ऑप्शन देख रहे हैं, इसमें जो ऑप्शन आ रहे हैं कर्सर का आ रहा है, ठीक है, कि ये जो कर्सर है मेरा माउस, ये आप चाह रहे हैं कि रिकॉर्डिंग के टाइम पे जो है शो हो, ठीक है, तो आप इस पर क्लिक कर देंगे जैसे अभी क्लिक हुआ हुआ है, और अगर आप चाह रहे हैं कि शो ना हो तो आप इस पर क्लिक हटा देंगे, ठीक है। अभी मैं इसको हटा देता हूँ आपको दिखाने के लिए। अच्छा, दूसरा ये ऑडियो आप चाह रहे हैं कि आपको जो है वो ऑडियो भी रिकॉर्ड करनी है, ठीक है, तो आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे तो आपकी जो वॉइस है वो भी रिकॉर्ड हो जाएगी, और अगर आप वॉइस नहीं चाह रहे कि रिकॉर्ड ना हो तो आप उसको अनसेलेक्ट कर देंगे, ठीक है। जैसे मैं उसको अभी सेलेक्ट से हटा देता हूँ, तो आप देख रहे हैं कि अनसेलेक्ट हो गया, अब जो है वो मेरी जो वॉइस है वो रिकॉर्ड नहीं होगी इस वीडियो में, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, पहले आपको खाली इतने एरिया की वीडियो रिकॉर्ड करके दिखाता हूँ, फिर उसके बाद जो है वो फुल डेस्कटॉप की जो है वो करके दिखाऊंगा। हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये जो है वो 231 का एक ऑप्शन देता है, उसके बाद रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाती है। अब जो मेरी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है, ठीक है, अब मैं एक्सेल को ओपन करता हूँ। अच्छा, आप देखें ये जो पट्टी आ रही है डॉटेड लाइन, ठीक है, मेरी सिर्फ इतनी ही वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, बाकी नहीं हो रही। तो अगर जो है वो आप इस तरह से रिकॉर्डिंग करें तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि इस एरिया के अंदर ही जो है वो आपकी जो भी चीज़ है वहाँ है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे जो है वो सिंपल सीरियल जनरेट करना सिखा देता हूँ कि आप जो है उसको सिलेक्ट करके और जहाँ तक फिर चाहें नंबर को जनरेट कर सकते हैं, सही सीरियल उसकी जनरेट हो सकती है। अच्छा, आपने इतना चीज़ बस सिखाई, इसके बाद उसको सेव तो नहीं करता हूँ, तो नॉट सेव कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर आके जो है वो आप जैसे ही माउस के ऊपर करेंगे तो यहाँ पे एरो आ जाएगा, एक जो इसका टैब है वो ओपन हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि इसमें स्टॉप का ऑप्शन आ रहा है और पास का ऑप्शन आ रहा है। पास का ऑप्शन जो है आप कभी यूज़ करेंगे, जब फॉर एग्जांपल कि आपके पास जो है वो मतलब आपको ऐसी चीज़ सिखा रहे हैं कि जिसमें जो है वो डाउनलोडिंग की ज़रूरत है, ठीक है, यानी कि किसी सॉफ्टवेयर को जो है वो आप डाउनलोड करना सिखा रहे हैं, या किसी सॉफ्टवेयर के अंदर जो है उसके पैकेजेस वगैरह को जो है वो डाउनलोड करना है कि वो पैकेज डाउनलोड हो जाएगा, उसके बाद फिर जो है आप उसको यूज़ करेंगे, तो तब जो है आपके लिए पास का ऑप्शन जो है वो यूज़ होगा। कि ज़ाहिर सी बात है नेट की स्पीड थोड़ी स्लो होती है, और आजकल तो जो है वो ऑनलाइन क्लासेस वगैरह चल रही हैं, तो उसकी वजह से जो है वो नेट पे काफ़ी बटन आया हुआ है, तो उसकी वजह से डाउनलोडिंग वगैरह आपकी स्लो हो सकती है। तो जब आप डाउनलोड पे लगाएं तो आप उसको वीडियो को पास कर दें, ठीक है, जब डाउनलोड कम्प्लीट हो जाए उसके बाद फिर जो है उसको रिज्यूम करें, तो इससे ही होगा कि वीडियो आपकी शॉर्ट हो जाएगी, ठीक है, वो जो बीच का जो टाइम है इतना वो बच जाएगा, और इसके अलावा जो आपकी वीडियो का साइज़ है वो भी कम होगा, ठीक है, तो आपको शेयर करने में जो है वो आसानी होगी। तो इसलिए जो है वो पास का ऑप्शन यूज़ करेंगे। अभी जो मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, स्टॉप करने के बाद आप देख रहे हैं कि ये जो है वो पीपीटी की जो फाइल थी, स्लाइड थी, उसी के अंदर जो है वो शो हो गया, और अगर मैं इसको अभी प्ले करूँ तो आप देख रहे हैं कि रिकॉर्डिंग जो मेरी स्टार्ट हो गई। अच्छा, मैंने माउस को जो है वो अनसेलेक्ट कर दिया था, तो देख रहे हैं आपके माउस मूव हो रहा है मेरा, लेकिन शो नहीं हो रहा, ठीक है, क्योंकि मैंने वहाँ से इसको हटा दिया था कि माउस शो ना हो,
आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो मैं माउस के ज़रिए ही इसको मूव कर रहा हूँ, लेकिन माउस मेरा शो नहीं हो रहा। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि माउस भी जो है आपका शो हो तो आप उसको सेलेक्ट कर लें, जब जब फुल स्क्रीन की वीडियो रिकॉर्ड करेंगे तो उस माउस को सेलेक्ट कर लेंगे, ताकि हमारे पास जो है माउस भी विजिबल होता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है, अब जो है वो हम इसको स्टॉप करते हैं और उसको हम कर देते हैं डिलीट, और अगेन जो है वो हम वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, स्क्रीन पर आ जाते हैं। ठीक है, अच्छा एरिया जो आप देखेंगे सेलेक्ट हुआ होगा पहले से, मुझे एरिया सेलेक्ट नहीं करना, मैं एरिया सेलेक्ट में आऊँगा। ठीक है, इसने दोबारा से सबको ब्लर कर दिया, तो मैं पूरे डेस्कटॉप को सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अभी मेरा पूरा डेस्कटॉप जो है वो सेलेक्ट हो गया है, यानी कि पूरे डेस्कटॉप की मेरी वीडियो बनेगी। और इसके अलावा मैं पॉइंटर को सेलेक्ट कर लेता हूँ कि मुझे कर्सर भी जो है विजिबल करवाना है। ठीक है, हम रिकॉर्ड करते हैं, ये ऑप्शन आया और अभी हमारी वीडियो जो है वो रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो गई है। ठीक है, मैं फिर से एक एक्सेल को ओपन करता हूँ, और ओपन करने के बाद सही है फिर से जो है वो हम सीरियल जनरेट का दे देते हैं इसमें, कि हमने सीरियल जनरेट की। ठीक है, तुमने कर दिया क्लोज। अच्छा, अब जो है आप देख रहे हैं इसको मैं दोबारा से, अच्छा पास का ऑप्शन जो यूज़ करने का तो नहीं बताता चलें, मैंने आपको बता दिया किस तरह से यूज़ करते हैं। सिंपल है, पास करेंगे तो वीडियो पास हो जाएगी। फॉर एग्जांपल कि अगर जैसे मैं एक्सेल दिखाता हूँ, कि मैंने एक्सेल को ओपन किया, ठीक है, यहाँ के इसको पास कर दिया, तो अब मेरी वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो रही है। ठीक है, मैं यहाँ पर आ गया और यहाँ पर आके जो आप कुछ भी और टाइप कर लें, सही है। आप जो नॉर्मली तब यूज़ करेंगे जब आपको जो है वो कोई डाउनलोडिंग वाला की चीज़ हो, या कोई ऐसी चीज़ हो जो आप नहीं दिखाना चाह रहे हो, तो जो है वो आप पास का ऑप्शन यूज़ करेंगे, जैसे ये था। ठीक है, अब मैं दोबारा से इसको रिकॉर्ड करता हूँ और यहाँ से फिर दिखा देता हूँ कि भाई हम जो सीरियल जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, और इसको हम कर देते हैं क्लोज, और यहाँ से जो है हम इसको फिर करते हैं स्टॉप। ठीक है, अच्छा आप देख रहे हैं कि अब जो है इसने पूरी स्क्रीन पर जो है वीडियो आ गई है। ठीक है, और अब अगर जो इसको प्ले करेंगे तो आप देख रहे हैं कि मेरा ये कर्सर भी जो है उसमें शो हो रहा है। ठीक है, और मैंने ये जो है एक्सेल की शीट को ओपन किया, अब मैंने कर दिया था इसमें पास, अभी पास नहीं किया था, सेकेंड टाइम मैं आगे जाके पास करूँगा इसको। अब देख रहे हैं कि यहाँ पर जो कर्सर यूज़ करता हूँ इसको जो आगे बढ़ा देते हैं वीडियो को। अच्छा, अब जो है मैंने पास का ऑप्शन यहाँ पर यूज़ किया, अब देखते हैं हम के एक्सेल को जो है वो मैं ओपन करूँगा, उसके बाद जो है पास करके डायरेक्ट जो हमारी स्क्रीन आ जाएगी, बीच की जो वीडियो वो स्किप हो जाएगी। ठीक है, आप देख रहे हैं कि फौरन जो है वो ये वाली स्क्रीन आ गई, जो बीच की मैंने वर्किंग की थी वो सारी इसमें रिकॉर्ड नहीं हुई। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है कहीं पर पास करना चाहते हैं कि कहीं पर आपकी नेट की स्पीड स्लो हो गई, या फॉर एग्जाम्पल आपको कहीं जाना पड़ गया, तब भी आप जो है इसको पास करके जा सकते हैं और बाद में आकर जो अपनी वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है आप इसको वीडियो को क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं यहाँ पर। अच्छा, दूसरा ये कि इसको हम इसको सेव करेंगे। ठीक है, कि हमें जो है वो फ्रेंड्स के साथ शेयर करनी है अपने, या यूट्यूब पर अपलोड करनी है, ये सेव हो गई। अच्छा, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है वो प्रेजेंटेशन के नाम से आई है और .pptx के नाम से जो है उसकी फॉर्मेट है। ठीक है, हमें इस फॉर्मेट पे तो नहीं चाहिए, क्योंकि इस फॉर्मेट पे ना जो है वो यूट्यूब पर अपलोड होगी और ना ही जो है मैं इसको व्हाट्सएप पर तो खास शेयर कर सकता हूँ, लेकिन वो चीज़ नहीं आएगी। ठीक है, जो वीडियो मुझे शेयर करनी थी वो चीज़ नहीं आएगी। तो हम इसको वीडियो में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, आप जो है वो उसको ओपन करेंगे। ठीक है, और मीडिया पे आकर राइट क्लिक करेंगे, आप देख रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन सेव मीडिया एस। ठीक है, तो हम इसको मीडिया में सेव कर लेंगे। ठीक है, इसका नाम मीडिया वन है, MP4 सेव कर देते हैं। अच्छा, मेरे पास जो है वो इसने लोडिंग नहीं, क्योंकि मेरे कंप्यूटर की स्पीड थोड़ी तेज़ है, तो उसकी वजह से लोडिंग वगैरह शो नहीं की। आपके पास स्लो हो तो हो सकता है यहाँ पर जो है लोडिंग शो करें इसको सेव करने की, या जब आप बड़ी वीडियो बनाएंगे उसकी लेंथ ज़्यादा होगी तब जो है वो लाजमी यहाँ पे शो करेगा कि भाई मैं इसको सेव कर रहा हूँ, कन्वर्ट कर रहा हूँ एक तरह से। ठीक है, हम इसको कैंसिल कर देते हैं। अच्छा, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है मेरे पास ये वीडियो आ गई है MP4 के अंदर, और इसकी जो 33 MB वो है साइज़ है, और ये 54 सेकेंड्स की वीडियो है। ठीक है, इसको हम प्ले करते हैं, ये सिंपल MP4 में प्ले हो जाएगी। ठीक है, आप इसको जो है वो यूट्यूब पर भी अपलोड कर सकते हैं और व्हाट्सएप पे शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा आप देख सकते हैं इसकी ग्राफिक्स भी अच्छी है, तो ये 1080p में डाउनलोड करता है, तो जो भी मतलब वर्किंग होगी वो साफ़ नज़र आएगी, और जो वर्ड्स वगैरह हैं वो भी क्लियर बिल्कुल समझ में आ रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से जो है वो हम पावर पॉइंट के अंदर वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं।
तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल मैक गाइड को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, और अगर कोई ऐसा टॉपिक है जो आप समझना चाहते हैं, जिसकी गाइडेंस चाहते हैं, तो कमेंट में शो कीजिए, ताकि मैं आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में वो चीज़ गाइड कर सकूँ।